में तीसरे चरण में चुनाव होना है 26 तारीख को और कार्यालय में मौजूद हूँ एक प्रत्याशी के। उन प्रत्याशी की खासियत मैं बता दूँ कि ये कार्यालय सिर्फ नाम का कार्यालय, यहाँ ना तो कोई सिर्फ एक सिंगल पोस्टर है, ना भीड़ है, ना कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ है, ना ज़्यादा खिचपिच है। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है, पूरी जनसभा में भी पूरा कानून का पालन हो रहा है। तो मिलते हैं वार्ड नंबर 16 से जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार चौधरी नवजीत ठेकेदार से, पूछेंगे क्या वो कानून का पालन पूरा कर रहे हैं, उनकी जनसभाओं में कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा कानून का। आइए मिलते हैं एक नौजवान कैंडिडेट से और जानते हैं उनके विचार। आइए वार्ड नंबर 16 के जो उम्मीदवार हैं जिला पंचायत के सदस्य, समाजवादी पार्टी के भी सिपाही हैं, आइए जानते हैं क्या रणनीति उनके लेकर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। अरे सर, मैं यहाँ आया हूँ, देख रहा हूँ कि कार्यालय में भीड़ भाड़ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग भी, सब लोगों ने मास्क भी लगाया हुआ है, तो ये आपने सबको आदेश कर रखा है? देखो, हम जो नेता हैं, हम जमीनी नेता हैं, पब्लिक के बीच में काम करने वाले और प्रशासन की मानने वाले, कि प्रशासन का उल्लंघन नहीं करना, प्रशासन का हमें साथ देना है। कि कोरोना अभियान चल रहा है, कोरोना अभियान में तो हमें जितनी सोशल डिस्टेंसिंग हमसे बढ़ती जाए, मेरा सख्त आदेश है, उतनी का नाम है मेरा। देखो कार्यालय पे भी आपने देखा है, बिल्कुल नो टेंशन, कोई भीड़ नहीं, कोई भटक नहीं। अच्छा, तो इसलिए मैं प्रशासन के मुताबिक चलने वाला, आदेश को मानने वाला, माननीय मोदी जी जो या योगी आदित्यनाथ जी का जो आदेश है उसका पालन करने वाला छोटा सा अपना सा एक नेता हूँ जी। और रही बात जिला पंचायत चुनाव की, ये चुनाव मेरा एक दिल की एक उमंग है कि मैं अपने क्षेत्र में जाकर अपने भाइयों में डोर टू डोर मिल के उनसे मुलाकात करके, और जो भी क्षेत्र की समस्या है, जो जिस लायक है, जिस लायक योजना के मातहत है, उसे इंशाल्लाह मैं हर भैया के पास जाके हर गेट पे, हर क्षेत्र में, हर गांव में विकास का पूरा ध्यान करूंगा और विकास कराऊंगा। हर भैया के दुख सुख में जिस लायक भी होऊंगा उसके लिए मैं आधी रात भी तैयार मिलूंगा जी। देखिए मैं से क्या कहूँ, उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का सुख दुख का साथ दूंगा अगर जनता चुनती है तो। 26 तारीख को चुनाव है, आपने चुनाव जीते, 26 तारीख को चुनाव होना, उसके लिए कुछ प्लानिंग की है बूथ के लिए, जो बूथ आपके लगेंगे उसके लिए कुछ प्री प्लानिंग की है आपने? अच्छा, बूथ के लिए प्लानिंग की है, बूथ के लिए है कि जो भी हो सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर वोट गिरी जाए, मास्क का सख्त नाम प्रयोग करा जाए और कोई भीड़ भड़ाका शोर शराबा ऐसा ना हो, कोई रास्ते में टट्टे लगा लेते हैं, ऐसा कोई ऐसा ना हो जो टट्टे लगाकर बात हो रही है, जगह जगह कहना भीड़ हो रही है, जो भीड़ भी ना हो। और वोट अपनी सुबह 7 बजे पोलिंग चालू हो जाएगा और शांतिपूर्वक चुनाव हर गांव में हर उसमें होना चाहिए, और वोट ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कैंडिडेट चुनना चाहिए जो जनता की सुने, जनता का काम आए। और अब से पहले 16 वार्ड में बहुत कैंडिडेट बने और बनने के बाद मैं भी क्षेत्र में घूम रहा हूँ कि कोई एक बार बनने के बाद में दोबारा वापसी नहीं लौटा। इंशाल्लाह मैं हर भैया से, मेरा वादा है, भगवान ना चाहे, मैं हर भैया के बीच में रहकर, हर भैया की बात सुनकर, उनकी जो भी समस्या का समाधान होगा उस सब भैया बैठकर मशवरा करके सबके महता है, सबकी सुनने के बाद और कार्य होगा हर गांव का। जो 16 गांव, जो 16 वार्ड है, मैं अपने वार्ड की गारंटी लेता हूँ कि जितने गांव हैं, 20 गांव हैं, हर 20 गांव में जिम्मेदार आदमी छोटे बड़े भैयों से सबसे मशवरा लेकर एक मीटिंग हो करेगी 3 जिम्मेदारी से और हर भैया के मशवरे से इंशाल्लाह क्षेत्र में काम होगा और ऐसा काम होगा कि जो आज तक नहीं हुआ हो। और जो कहना है, मैं छात्र शिक्षा है, शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाएगा और जी जो खेल मैदान है बच्चों के, या अस्पताल की सुविधा है, या स्कूलों की सुविधा है, इंशाल्लाह मेरा पूरा ध्यान है और ध्यान पूरी कोशिश करूंगा कि हर गांव में पूरा हर चीज़ का अस्पताल की सुविधा या दवा गोली की सुविधा जो भी इसमें होगी कि पूरा ध्यान दिया जाएगा, साफ सफाई का और जी लाइट होगा, जो भी कहना समस्या क्षेत्र में होगी वो इंशाल्लाह पूरी करूंगा।
मेरी दिलाई तमन्ना है और क्षेत्र अगर मेरा साथ देगा, मेरा हाथ मजबूत करेगा तो खरा उतरूँगा। बीस गाँव की जिम्मेदारी होगी अगर जनता सुनिए। जी जी, तो फिर स्वार्थे की टीम आपको शुभकामनाएं देती है और 20 गांव के जनवासियों से, जनता से, तब फेस वार्ता के माध्यम से और भारतवासियों से कुछ कहना चाहेंगे? वह भारतवासियों से मेरा कहना यही है, देखो जी अभी तो मैं आपके सबके जैसा हूं, लेकिन 26 तारीख में मेरा चुनाव चिन्ह क्रैन का, इसको मजबूती दोगे, इसको मुझे विजय बनाओगे तो इंशाल्लाह मैं अपने साथ के लिए, अपनी जनता के लिए पूरा प्यार दूंगा, पूरा हर चीज़ का लाभ दूंगा और जो मैंने वादे करे हैं उन वादों पे खरा उतरूंगा। बिल्कुल ना कोई लोभ है ना लालच है, सिर्फ जनता का प्यार है। जनता का प्यार लेकर आया हूं, जनता को प्यार दूंगा और जनता के बीच में रहूंगा। चलिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और 2 मई को हम आएंगे और जनता अगर आपको चुनती है तो आपसे मिठाई खा लेंगे।